आगे बढ़ते हैं। रोहतक गैंगरेप मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उधर इस मामले में गठित की गई एसआईटी 90 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रोहतक में छात्रा से गैंगरेप के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मामले में डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। जांच का दायरा कह सकते हैं, हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक फॉर्म कर दी है, जिसमें हमारे जो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं सभी फील्ड के, उन सबको लगाया गया है। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि ये केस थोड़ा इम्पोर्टेंट केस है, तो जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सके, इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट हो जाए। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बुधवार को रोहतक पहुंचे और पीड़ित छात्रा से बातचीत की। एडीजीपी के मुताबिक पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा है, केस की छानबीन की जा रही है। अक्यूज्ड और जो लिखाए हैं जो पीड़िता ने, उनमें से एक अक्यूज्ड की तो पहचान हो गई है, एक और की पहचान अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, ना ही जो पीड़ित पक्ष है वो उसकी कोई पहचान बता पाए हैं। उधर हरियाणा सरकार की ओर से भी मामले में संजीदगी का दावा किया जा रहा है। हमारी सरकार किसी भी हालत में, हम अपने प्रदेश में बच्चियों की असमत को लुटने नहीं देंगे। गौरतलब है कि रोहतक गैंगरेप मामले में अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस अभी 2 और आरोपियों की तलाश में है। रोहतक से राज टाकिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।